तो कैसे हैं आप लोग? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे रोहन मेहरा का स्केच। तो इस वीडियो में मैंने सब बताया, कैसे टेक्निक्स है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अब बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पहले से आउटलाइंस कर ली है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट नोज़ की शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ एंड मैंने उसके लिए HB पेंसिल का यूज़ लिया है। तो सबसे पहले जो भी डार्क पार्ट्स है मैं वहाँ पर HB पेंसिल से लाइट लाइट शेड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर HB पेंसिल से नॉर्मली ऐसे शेड कर लिया है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाया है और ना बहुत ज़्यादा कम प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर के साथ मैंने बनाया है। और फिर मैंने यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ किया है आईबॉल्स बनाने के लिए। एंड अब मैं यहाँ 4B पेंसिल से आउटलाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, मेरा मतलब आउटलाइंस डार्क कर रही हूँ। एंड 4B पेंसिल की हेल्प से मैं आईब्रोज भी बना लूँगी। तो जिस डायरेक्शन में है आपको उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाना है आईब्रोज बनाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे हेयर्स बना लेने हैं आपको। एंड देन मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। हमेशा ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करना आईब्रोज और हेयर्स को। तो अब नॉस्ट्रल्स ड्रॉ करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्लेंडिंग करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो ब्लेंडिंग स्टम्प से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शेडिंग होती है, तो आई प्रेफर आप भी वही यूज़ करना। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं। एंड अब मैं फिर से थोड़ी सी डिटेलिंग कर लूँगी। हमेशा ब्लेंडिंग के बाद कुछ चीज़ें मिट जाती है, तो उसको वापस से ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड अब इस साइड की ब्लेंडिंग जो हमारी बाकी रह गई थी मैं वो कर रही हूँ। एंड अब फिर से HB पेंसिल की हेल्प से एकदम लाइट शेडिंग कर लूँगी। पहले हमने थोड़ी सी डार्क करी थी क्योंकि उस साइड डार्क पार्ट बनाने था हमको। इस साइड हमको लाइट वाला एरिया बनाना है। यहाँ पर लाइट का फोकस आ रहा है तो बहुत लाइट है, इसको एकदम ही लाइट बनाना। अगर आपके पास 2H या 3H पेंसिल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उससे बना लेना। एंड ब्लेंडिंग स्टम्प को क्लीन करना मत भूलना। अगर उसमें पहले से ग्रेफाइट पाउडर होगा तो बहुत डार्क डार्क एरियाज़ को ब्लेंड करेगा वो, मतलब बहुत डार्क हो जाएगा वो एरिया, तो उसको साफ़ करके फिर यूज़ करना। अब चलते हैं लिप्स की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आउटलाइंस डार्क कर ली है। एंड बीच के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, जो मिडलाइन बनानी है उसके लिए। एंड जो हमारे पास ग्रेफाइट पाउडर था ब्लेंडिंग स्टम्प पर लगा हुआ, मैंने उसी से ब्लेंड कर लिया है बिना शेडिंग किए। तो ये ध्यान से देखना आप, ऐसा भी कर सकते हैं हम, डोंट वरी। और उसके बाद हम लाइंस बना देंगे और हाइलाइट्स बना देंगे। हाइलाइट्स के लिए मैंने टॉम्बो इरेजर का यूज़ किया है, होममेड। एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप भी ऐसे होममेड टॉम्बो इरेजर बना सकते हैं एंड उससे ब्लेंड कर, मेरा मतलब हाईलाइट कर लेना। तो लिप्स के ऊपर जो लाइन होती है छोटी छोटी, वो ड्रॉ करना मत भूलना, उससे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आ जाता है। एंड यहाँ मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है बियर्ड ड्रॉ करने के लिए। तो इससे काफ़ी छोटे छोटे जो हेयर्स हैं, जो टेढ़े मेढ़े हेयर्स हैं, ऐसे बनाने हैं आपको, स्ट्रोक्स लगाने हैं।
तो आपको ऐसे छोटे छोटे हेयर्स बनाने पड़ेंगे एंड फिर जब हम इसको ब्लेंड करेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे देगा। तो आपको ऐसे पेशेंस रखना पड़ेगा छोटे छोटे जो हेयर्स बनाने हैं। एंड मेरे पास यहाँ पर पेंसिल एक्सटेंडर नहीं था तो मैंने छोटी पेंसिल यूज़ की है, तो डोंट माइंड। और मैंने बीच में नोकी भी यूज़ की है, जो टूटी हुई लिड थी मेरे पास उसको भी यूज़ किया है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास अच्छे मटेरियल्स हो, अगर आपके पास चीप मटेरियल्स है तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो अच्छे रियलिस्टिक स्केच। अब जो लाइट बियर्ड है उसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी लाइट है बियर्ड और बहुत छोटे छोटे ट्रिम्ड बाल है, तो उसके लिए मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया है। एंड ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रश का यूज़ किया है। इसको ब्लेंड करने के लिए गाइस कभी भी आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ मत करना, एंड फिर हाईलाइट्स क्रिएट कर देना एज यूजल। तो ये आपको अपने रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कहाँ पर हाईलाइट्स क्रिएट करने हैं आपको, कहाँ पर लाइट आ रही है, तो ये तो आपको देख के ही करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है मैंने कैसे किया है, आप भी वैसे उससे आइडिया लेके कर सकते हैं। बस ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ मत करना वरना जितने भी स्ट्रोक्स आपने लगाए हैं वो पूरे ब्लेंड हो जाएंगे। तो अब हेयर्स ड्रॉ करते हैं। एंड हेयर्स ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, चारकोल सॉफ्ट का यूज़ कर रही हूँ मैं मेनली। चारकोल से एकदम रियलिस्टिक लुक आ जाएगा आपके हेयर्स में, एकदम डार्क डार्क बनेंगे एंड जल्दी बन जाते हैं चारकोल से, इसलिए मैंने चारकोल यूज़ किया है। आप ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट में हमको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, इसलिए मैंने ग्रेफाइट यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, लेयर बाय लेयर। तो चारकोल जल्दी बन जाता है इससे, एंड आपको बस सीधे सीधे स्ट्रोक्स लगाने, एकदम सीधे नहीं, मतलब जैसे आपके रेफरेंस पिक में दे रखा है आपको उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं, लाइट टू डार्क। इस पूरे में मैंने सिर्फ चारकोल सॉफ्ट का यूज़ किया है स्टार्टिंग में, जब हम हाइलाइट्स क्रिएट कर लेंगे तब मैंने एक मीडियम का यूज़ किया। तो बस ये 2 पेंसिल का यूज़ करके मैंने पूरे हेयर्स ड्रॉ करे हैं। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रोक्स ना लगा के डायरेक्ट ब्लेंड कर दिया है इसको, एंड जहाँ भी आपको ऐसा डार्क पार्ट लगे उसको पेंसिल से सही कर देना, एकदम स्ट्रोक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, मेरा मतलब है एकदम से उसको डार्क कर सकते हो उस पार्ट को। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रोक्स लगाए हैं, एंड जिसको स्ट्रोक्स का मतलब नहीं पता मैं बता दूँ, लाइन्स जो बना रही हूँ ना मैं यहाँ पर हेयर्स की, वो लाइन्स को स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डार्क कहीं लाइट ऐसा किया है, आपको भी ऐसे ही करना है अपने रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग। एंड ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ करना कभी भी, बाल के लिए या बियर्ड के लिए हम पेपर स्टम्प का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे पूरा ब्लेंड हो जाता है एंड हमारे स्ट्रोक्स नहीं नज़र आएंगे फिर। तो आपको दिख रहा होगा कैसे एकदम से अच्छा लुक आ गया है इसका, रियलिस्टिक लुक आ गया है ब्लेंड करते ही। तो ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आप ब्लेंड करने के बाद मैं चारकोल हार्ड पेंसिल और चारकोल मीडियम पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ थोड़े बहुत स्ट्रोक्स और दिखाने के लिए। एंड फिर उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना। एंड फिर हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ होममेड टॉम्बो इरेजर। तो गाइज ऐसा प्रोसेस चलता रहता है इसमें, हाइलाइट्स क्रिएट करने के बाद हमको फिर से स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं, फिर से उसको ब्लेंड करना पड़ता है, तो ऐसा प्रोसीजर रहता है इसमें, आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड एट लास्ट जो फोरहेड पे हेयर्स है उसको मैं मीडियम पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मत भूलना। एंड ईयर भी हम ड्रॉ कर लेंगे, इसमें सिंपली शेड करना है, इसमें डार्क साइड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड अब चलते हैं क्लोथ्स की साइड।
तो क्लोथ्स बनाने में सबसे पहले जो डार्क पार्ट्स हैं उनको मैं 6B या 8B पेंसिल की हेल्प से अच्छे से शेड कर लूँगी। आप दोनों में से कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, 6B या 8B। मैंने मोस्टली 6B यूज़ किए यहाँ पर। एंड फिर से ब्लेंडिंग स्टम्प, तो ब्लेंडिंग स्टम्प को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। अब यहाँ डार्क पार्ट के लिए मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है एंड इसको अच्छे से डार्क डार्क शेड कर लेना। इसमें मेन पार्ट हाईलाइट का है गाइस, इसमें शेड तो कोई भी कर लेगा, तो इसमें आपको हाईलाइट्स का ध्यान रखना है जो बॉडी पे है। तो मैंने 6B पेंसिल का ही यूज़ किया है एंड उसी की हेल्प से शेड किया है यहाँ पर। आप चाहें तो 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जहाँ लाइट आ रही है वहाँ पर टॉम्बो इरेजर की हेल्प से मैंने रेस कर दिया है हाईलाइट क्रिएट करने के लिए। एंड फिर से ब्लेंडिंग स्टम्प और ब्रश का यूज़ किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है गाइस, यहाँ पर आपको हाइलाइट्स बहुत अच्छे से करने हैं, जैसे कि मैंने किए हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा है। अब हम शर्ट के फोल्ड्स बनाएंगे। तो फोल्ड्स बनाने के लिए बस सिंपली आपको शेड कर लेना है जहाँ डार्क है वहाँ पर सबसे पहले। तो अब हम पूरे को शेड करेंगे लाइट लाइट HB पेंसिल की हेल्प से। अब जो सल बनाए थे हमने, यानी कि जो डार्क पार्ट शेड किया था, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने। एंड मेन पार्ट जो होता है यहाँ पर सल बनाने के लिए, जो फोल्ड बनाने होते हैं, उसमें आपको इरेजर की हेल्प चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला इरेजर लिया था, होममेड। जैसे कि मैंने फोल्ड्स के आउटलाइन पे इरेजर घुमाया था, वैसे ही आपको भी करना है। इससे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आ गया, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये लग रहे हैं असली फोल्ड्स, तो बस ऐसे ही करना है आपको भी, बहुत इजी है। मैं फिर से बताती हूँ इस साइड। सबसे पहले जो सल दिख रहे हैं वहाँ पर डार्क डार्क मैंने कर लिया है शेड। एंड ये जैसे आपको दिख रहा है मैंने एकदम शेड कर लिया है जहाँ भी सल दिख रहे हैं मेरे को सबसे पहले। तो एंड जो बेस है हम उसको बना लेंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। एंड फिर हम जो शर्ट का जो ये वाला पार्ट है ब्लैंक पार्ट, वो भी ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले, आप देर से देख रहे हो, मैंने शेड नहीं करा है, डायरेक्ट ही ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि उस पर ग्रेफाइट पाउडर पहले से ही था, तो वो शेड भी हो चुका है, ब्लेंड भी हो चुका है। तो अब आती है मेन बारी हाइलाइट्स क्रिएट करने की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इधर, जहाँ जहाँ भी फोल्ड्स हैं मैंने डार्क शेड करा है, उसकी आउटलाइन पर मैं इरेजर फेर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको लाइन बना लेनी है इरेजर से। तो मेन चीज़ यही थी इस फोल्ड्स बनाने में। तो अगर आप जब इरेजर फेर लोगे तो उसको ब्लेंड भी कर लेना, ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ कर लेना। अगर आप नहीं भी करते हो तो इट्स ओके। तो बस इस वीडियो में यहीं तक था, आगे देखिए आप रिजल्ट्स एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।